हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को LG का 1.5 टन का विंडो इन्वर्टर AC का अनबॉक्सिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। यह AC आपको 4 स्टार के साथ टॉप एयर फ्लो वाली आपको मिल जाएगी। अब हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे। बॉक्स ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें हमको क्या क्या मिलता है। इसमें हमें एक पॉलीथीन मिलती है। पॉलीथीन में खोल के देखता हूँ क्या क्या है। पॉलीथीन खोलने के बाद कुछ मैनुअल डॉक्यूमेंट मिल जा रहा है और इस पन्नी में और भी कुछ है। अभी निकाल के देखता हूँ क्या है इसमें। और हमें लग रहा है इसका रिमोट है। रिमोट को निकाल लेते हैं। ये है हमारा रिमोट। रिमोट आप देख सकते हैं। और रिमोट का हमें बैटरी भी साथ में मिल जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को उठा के इकट्ठा इधर कर देते हैं साइड में। साइड में करने के बाद इसका फ्रंट कवर हम उठा के देखते हैं। ये जो फ्रंट कवर है, ऐसा फ्रंट कवर किसी भी कंपनी के विंडो AC में नहीं आता। ये केवल और केवल LG में ही आपको देखने को मिलेगा, LG के विंडो AC में। और ये विंडो AC लगने के बाद जो आपको लुक प्रदान करेगी, एकदम बिल्कुल स्प्लिट AC की तरह ही दिखेगा अंदर से। बाहर से तो विंडो AC की तरह ही दिखता है। इसका आपको कूलिंग कॉयल बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। ये पूरे कूलिंग कॉयल इसका कॉपर का बना है। पूरा एकदम स्मूथ लगता है हाथ से छूने में। कूलिंग कॉयल आप देख सकते हैं कि कॉपर का पूरा बना हुआ है। अब इसके हम बैक साइड चलते हैं जहाँ पे हीटिंग कॉयल लगा रहता है। हीटिंग कॉयल भी आप देख लीजिए। हीटिंग कॉयल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, छूने में भी बहुत स्मूथ लगेगा। ये है हमारा फ्रंट कवर डिस्प्ले का जैक। यहाँ पर हम इस जैक को फिट कर देंगे जो फ्रंट कवर में होगा। अब हम यूनिट को बॉडी कवर से बाहर करेंगे। बाहर करके देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। ये हमारी यूनिट बॉडी कवर से बाहर हो गई। वाह, क्या अच्छा लुक दे रही है। ये तो ऐसे भी बहुत अच्छा लुक दे रही है विदाउट बॉडी कवर के भी। अगर आपको ऐसी ऐसी चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर लेना। 27,000 से 35,000 के बीच में आपको ये AC मिल जाएगी। ऑफर लगाने पे और कम में मिल जाएगी। ये हमारा जहाँ से कूल एयर निकलेगा, यहाँ से कूलिंग वायु बाहर आएगी। ये हमारी वायरिंग मैनुअल है जो कि PCB पे ही चस्पा कर दी गई है। और हमारे PCB से ही पूरे यूनिट में सप्लाई जाती है कि कब कंप्रेसर चलेगा, कब फैन चलेगा, ये सब इसी से डिसाइड होता है, इस PCB से। और ये बगल में हमारा एक छोटा सा कंप्रेसर लगा है। छोटा कंप्रेसर इसलिए है क्योंकि ये इन्वर्टर AC है। दोस्तों, हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो LG कंपनी को टक्कर दे सके। आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो कोशिश करें LG का ही प्रोडक्ट आप परचेज करें। ये है हमारा रिमोट। इसको हम जो है पॉलीथीन से बाहर करते हैं। बाहर करने के बाद बताते हैं इसमें कैसे क्या क्या है, क्या करना है आपको। रिमोट में हम इस रेड बटन से जो है AC को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये बटन जो है टेम्परेचर को आगे पीछे करने के लिए रहता है। यहाँ पे कुछ और बटन भी हैं। और ये जो बटन है ये सब काम की बटन है। इस सब बटन से आप जो टेम्परेचर ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, स्विंग इधर उधर कर सकते हैं। और ये हमारी बैटरी है जो इसमें लगेगी, यहाँ पे इंस्टॉल होगी। इसको अभी हम इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं रिमोट कैसे काम करता है। और ये इसका जो है ये रिमोट स्टैंड है, इसको भी अभी हम इंस्टॉल करके एक तस्वीर आप लोगों को दिखा देंगे। इन सबको करते हैं साइड और देखते हैं इसका कुछ मैनुअल डॉक्यूमेंट आप भी देख लीजिए। इस मैनुअल में आपको कई तरह का मैनुअल मिल जाएगा, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे फॉर्म लगाना है, कहाँ पे क्या करना है।
इस किताब में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कब इसको साफ़ सफाइया का कब ध्यान रखना है, कहाँ पे फॉर्म लगाना है, किस दीवार में लगाना है, किस में नहीं लगाना चाहिए, सब के बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथ में, इस पे वारंटी बनती है। रिमोट में हम बैटरी इंस्टॉल कर ले रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद ये 24 पे ही खुलता है, यानी टेम्परेचर अपना 24 दिखा रहा है। 24 का दिखाने का मतलब ये है कि सामान्य टेम्परेचर एसी के रूम में 24 ही रहना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और इसको आप बड़ा घटा भी सकते हैं। इसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो 30 है और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 16 दिया गया है इस इन्वर्टर एसी में। आप ये कुछ फोम मिल जाता है आपको, जो कि एसी लगाने के बाद जो साइड साइड में पोल बसता है वहाँ पे लगाने के लिए, उसको आप आसानी से फिट कर सकते हैं पोल के अंदर। ये है हमारी वाटर कुप्पी जो कि एसी के पीछे लगती है, और यहाँ पे जो एक पाइप लगा के पानी को नीचे गिरा दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसी में जब चलती है तो पानी हमेशा बनता रहता है, वो पानी यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो इस कुप्पी के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये लग गई हमारी विंडो एसी जो कि विंडो में ही लगी हुई है। अब आप डिस्प्ले में जो बटन है उसको देखिए, ये है हमारा टेम्परेचर कम तेज करने की बटन, ये हमारी फैन स्पीड, और जो है ये हमारी ऑन ऑफ वाली बटन, और ये सब टाइमर स्विंग ये सब इसमें लगा, सब की बटन अलग अलग दी गई है। आप अगर रिमोट से ना काम कर पाएँ तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हो गया रिमोट का इंस्टॉलेशन और जो है स्टेबलाइजर का। साइड से इसको हम खोल के इसकी जाली साफ़ कर लेंगे जब डिस्प्ले पे एरर दिखाएगा, उसके बाद फिर लगा के इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब ये हमारी एसी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, रेडी हो गई है चलने के लिए।